लखनऊ के नवाबों में जीता मुकाबला, कोलकाता के नाइट्स ने दिखाया फाइट बैक, अजिंक्य रहाणे को किया था ड्रॉप, रिंकू सिंह ने किया कमाल, 15 गेंदों में बनाए 40, लेकिन फिर भी केकेआर को मिला 2 रन से हार। थमाई गई है कोलकाता के प्लेऑफ में पहुंचने के इरादे को किया है धराशाही, और लखनऊ सुपर जायंट के भी सामने लग गया है क्यू। अब 2 स्पॉट के लिए है बात, और 2 जन है अब केकेआर भी हो गई है आउट। तो करते हैं चर्चा, आज का मुकाबला रहा ऐतिहासिक और एक रोमांचक ब्लॉकबस्टर। हमने मुकाबला को देखा, लखनऊ ने 210 रन बनाया बिना कोई विकेट गवाए, ये हिस्ट्री बनाया अपने आप में। क्विंटन डिकॉक ने 140 रन बनाया 70 गेंदों में, और केएल राहुल ने 68 रन बनाया 51 बॉल्स में, और ये दोनों जन के ओपनिंग स्टैंड 210 रन का जो पहुंचाया लखनऊ सुपर जायंट को 210 के टोटल तक। और पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट ने सिर्फ 44 रन बनाए थे, फिर किया वापसी 78 रन मिडल ओवर्स में बनाया, 88 रन आखिरी के 16 से लेकर 20 ओवर तक आए, और आखिर में जीता मुकाबला। देखा तो हो जाएगा, लेकिन लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक अच्छा फाइट बैक दिखाया, रिंकू सिंह ने एक फाइटर के रूप में सामने आए और मुकाबला को ख़त्म नहीं कर पाए। अच्छा कैच लिया वहां पर रिंकू सिंह का, एवन लुइस ने किया अपना योगदान और बहुत बड़ा योगदान, वो कैच के कारण ये मुकाबला पलटा है, वो कैच के कारण कोलकाता को मिली हार। और रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में बनाए 40, 7 गेंद में 21, नारायण ने उमेश यादव जो आखिरी गेंद के लिए थे उनको, मार्कस टॉइनिस ने किया बोल्ड जॉकर से और उनको उनका विकेट गिराकर लखनऊ ने जीता मुकाबला। कोलकाता ने वेंकटेश का खाता खुला नहीं, अभिजीत तोमर ने 4 रन बनाए डेब्यू करते हुए अपने, नितिश राणा ने 22 बॉल्स में 42 रन बनाया, श्रेयस अय्यर ने 29 बॉल में 50 रन बनाया, कप्तानी पारी खेली, सैम बिलिंग्स ने गेंदबाजों का जरूर बिल पारा 24 बॉल में 36, उन्होंने भी बनाए, एंड्रे रसल का अगर बल्ला चलता तो केकेआर ये जरूर ये मुकाबला जीतता, इसका गारंटी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रसल के बल्ले से रन आया नहीं, 11 गेंदों में 5 रन बनाए, रिंकू सिंह ने किया कमाल आपको मैं बता चुका हूँ 15 गेंदों में 40, नारायण ने 7 गेंदों में 21 और उमेश यादव 1 गेंद में 0 और आउट हुए। और गेंदबाजी में मोहसिन खान का रहा अच्छा प्रदर्शन, लाजवाब गेंदबाजी, 3 विकेट तक आया 20 रन देकर, और जेसन होल्डर ने दूसरी ओवर 45 रन दिए और एक भी विकेट नहीं चटकाया। आवेश खान का भी अच्छा नहीं रहा था दिन, 60 रन दिए 4 ओवर में और एक भी विकेट नहीं हाथ आया। कृष्णप्पा गौतम ने अपने 2 ओवर में 23 रन दिए और एक विकेट चटकाया, रवि बिश्नोई अपने 4 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट चटकाया, वो था सैम बिलिंग्स का, और मार्कस टॉइनिस ने 3 विकेट चटकाया 2 ओवर में 23 रन देकर। और केएल राहुल और इनकी तो मैं कर चुका हूँ बात, उमेश यादव रहे विकेट, आज तो कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिला, सबको खाली पड़े रन, और इसके साथ लखनऊ ने जीता मुकाबला, क्यों उनके नाम के आगे लग चुका है। और अब जो कल होगा जो मुकाबला होगा उसमें है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस का वो मुकाबला, वहाँ टाइटंस अगर टाइटंस की तरह खेलेगी, अगर वो टाइटैनिक अगर टाइटंस दिखाएगी अपना पारी एक तो दिखाएगी तो लगन आरसीबी हो जाएगी फार। अगर आरसीबी जीतती है कल का मुकाबला तो आरसीबी अपने आप को रखेगी जीवित और चाहेगी कि दिल्ली हारे अपना मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, या कल का मुकाबला आरसीबी गुजरात टाइटंस को एक लंबी मार्जिन से दे थमाए हार, तो आरसीबी कर पाएगी क्वालिफाई और टॉप टू टीम्स आर रेडी टू प्ले
द क्वालिफायर वन इन कोलकाता। कोलकाता का मैदान सज रहा है और मैदान में लोग भी भर रहे हैं, फुल टिकट इज सोल्ड आउट। आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन, विद आर्यमन गोइंग का। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।